अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम पीर चनासी की रोड पे हूँ और ये गिलानी भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, माशाल्लाह गिलानी भाई ने टूरिस्ट के लिए और बाइकर्स के लिए भी ये एक होटल बनाया है। ये सामने आप देख सकते हैं, हेवन पीक रेस्टोर है, हेवन पीक रेस्टोर के नाम से है। तो मैं गिलानी भाई से आपका रब्ता करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गिलानी भाई, इसका मुझे आप ज़रा किलोमीटर वगैरह बता देंगे क्या हिसाब से? ये अभी हम सतह समंदर से तकरीबन 9000 फुट बुलंदी के ऊपर हैं। ठीक है, ये पीर चनासी का मुकाम है। ठीक है, मुजफ्फराबाद से 23 किलोमीटर इसका फासला बनता है और यहाँ तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव है। 40 मिनट की? कितना किलोमीटर मुजफ्फराबाद से बनता है? 23 किलोमीटर। और ये तकरीबन ओपन रहता है 11 महीने। ठीक है, और हैवी स्नोफॉल होती है जो वो तकरीबन 25 दिसंबर से 20 जनवरी तक। इसके यहाँ 25 दिसंबर से 20 जनवरी तक जो है ना हैवी स्नोफॉल होती है, इसमें थोड़ा सा ये रास्ता बंद होता है, अदरवाइज़ ये ओपन रहता है। इसके अलावा गिलानी भाई, यहाँ से जो पीर चनासी है वो कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर है। 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर, 15 मिनट की ड्राइव हो रहा है। 15 मिनट की ड्राइव है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ आप कह रहे थे जो कैंपिंग भी का भी जो पॉइंट बना रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। मुख्तलिफ हमारे पास जहाँ पे जगह हैं जहाँ पे बंदा कैंपिंग ईजी करवा सकता है। ठीक है, 15 मिनट की मसाफत पे। ठीक है, उसके ऊपर हम हाइकिंग का भी आगे ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, और घोड़ों का भी अरेंजमेंट हमारे पास है। अच्छा जी, जो बाहर से हमारे आना चाहते हैं, जिसमें हमारी बहनें जो चल नहीं सकती उनके लिए घोड़े हम। अब इसमें इन्होंने एक बंदोबस्त ये भी किया गया है कि जो फॉरनर्स आते हैं, कहीं से भी टूरिस्ट आते हैं, यहाँ हाइकिंग पॉइंट्स भी हैं, अगर वो वहाँ भी जाना चाहते हैं तो उसके लिए इनके घोड़े वगैरह ईच एंड एवरीथिंग ये सारा बंदोबस्त करके देते हैं। इसके अलावा इनकी अपनी जो है ना ट्रैवल भी है, अगर आप बुकिंग करवाते हैं किसी भी पॉइंट पे जाते हैं तो आप जो है इनके साथ जा भी सकते हैं। आप इनसे बुकिंग करवाएं, यहाँ के अगर रहते भी हैं बुकिंग करवाएं, या आपको हर जगह घुमाएं फिराएंगे भी। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कैंपिंग पॉइंट है, जो बाइकर्स के लिए भी स्पेशल, मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी बाइकर्स के लिए भी कि कैंपिंग पॉइंट होना चाहिए, तो उन्होंने कैंपिंग पॉइंट भी बनाया गया। अब कैंपिंग पॉइंट इस साइड पर आ जाता है ना, ये नीचे, ये नीचे, इसके नीचे जो है ना काफ़ी बहुत बड़ा ग्राउंड है, इधर भी कैंपिंग पॉइंट है, और जो होटल है होटल की बैक साइड पे भी कैंपिंग पॉइंट बनाया गया है, ताकि आराम से इजीली जो भी कैंपिंग करना चाहता है, नेचर एंजॉय करना चाहता है, या जो रूम में रहना चाहता है वो आराम से रुक सकता है। अभी एक तो मैं आपको होटल का व्यू भी दिखाता हूँ, और दूसरा इसके अलावा आपको जो है ना अपना अंदर से भी होटल दिखाता हूँ। आई गिलानी भाई, ये भी पार्किंग बस थोड़ी सी रह गई है, ये इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, कितने दिनों में क्लियर हो जाएगी पार्किंग? तकरीबन हमारे 2-3 दिन में इंशाल्लाह, इस वीकेंड में हम इसको फाइनलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे टफ टाइल भी करवा रहे हैं। अच्छा, टफ टाइल कर रहे हैं। अभी तो हमने इसकी जॉब को ये ओपन की। ठीक है जी, साथ साथ ये अभी करवाया काम इसका, क्योंकि ये हिल एरिया, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है। ठीक है, मुश्किल से हमने एक साल में इसकी कंस्ट्रक्शन करी है। आए आपको होटल दिखाते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बेड माशाल्लाह वीआईपी रूम्स है सारी, ईच एंड एवरीथिंग, और इसके अलावा आप मैट्रेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, सारा जो है अलमारी वगैरह सब कुछ बना हुआ सामान रखने के लिए। और मेन चीज़ होटल्स में होती है कमरे के अलावा वॉशरूम भी देखा जाता है, जो वॉशरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो रिजवान भाई, मेन चीज़ होटल में, होटलिंग में होती है वॉशरूम साफ़ होना चाहिए, वॉशरूम भी बहुत अच्छे बने हैं। और मेन चीज़ यहाँ के, अगर आप सर्दी में भी आते हैं तो आपको यहाँ हीटर की जो, गीज़र की जो सहूलत है, हीटर और गीज़र इनकी सहूलत आपको यहाँ ये भी मिलेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा इसके ऊपर अभी होटल भी स्टार्ट होने लगा है, होटल भी स्टार्ट होने लगा है, जिसमें आपको हर तरह के खाने भी मिलेंगे, इटालियन खाने भी हैं। अच्छा, खानों का मेन्यू आपने क्या रखा है गिलानी खान? खाने का मेन्यू हमारा जो है वो हर तरह का खाना, जिस तरह की जो वो बंदा कहेगा, इसमें जिस तरह की वो हमें बताएंगे, चाइनीज़ वो करते हैं, कश्मीरी डिशेज वगैरह जो। और इनका जो स्टाफ है खाना बनाने वाला, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं सारे, वो पीसी सारे जो है पीसी के हैं, बन के जो हमारे बन के हैं सारे माशाल्लाह। और गिलानी भाई, इसके अलावा अपना क्या कहते हैं,
इसके ऊपर जो हमने रूम बनाने हैं वो भी इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे ईयर में वो भी फंक्शनल हो जाएगा। और इसके अलावा जो टूरिज्म कंपनीज हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकती हैं, जिस तरह जो अपने इवेंट्स करवाती हैं, लाइक अगर वो पीर चनासी लोगों को लेके आते हैं, कहीं भी मुजफ्फराबाद आते हैं, वो इनसे कॉन्टेक्ट करके इनके और भी होटल्स हैं उसमें भी वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है इनका, काफ़ी बड़ा रूम है, इसमें भी मैट्रेस लग जाते हैं साथ, ठीक है। और इनमें भी LED भी लगेंगी सारी, वाईफाई वगैरह ईच एंड एवरीथिंग में भी। ये ऊपर रेस्टोरेंट की भी सहूलत मौजूद है सारी, आप यहाँ स्टे करें आराम से, अपना लंच जो भी डिनर वगैरह करना आराम से आप करें। ये सारी क्योंकि पहले जब भी कोई इधर आता था तो प्रॉपर उनको ना अकोमोडेशन मिलती थी ना खाने पीने की इस तरह का कोई इंतजाम आता था, तो लोग डिसहार्ट होकर चले जाते थे क्योंकि इस एरिए में इतनी हाइट पे इस तरह का कोई रिजॉर्ट ना था। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम तो ऑलरेडी टूरिज्म सेक्टर पर काम कर रहे थे, फिर ये सारी हमने अकोमोडेशन वगैरह बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में हमारे पास 15 रूम और भी आ जाएंगे, ठीक है, और रेस्टोरेंट हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये नहीं कि भैया को एकदम 200 बंदे को उठा बैठा सकते हैं, उनको हम बूफे वगैरह करके। और इंशाल्लाह अगले साल तक ना गिलानी पे बता रहे हैं कि इसमें कम से कम 200 बंदे एट अ टाइम यहाँ स्टे कर सकते हैं, अगले साल तक इसमें और रूम बन जाएंगे वगैरह जो है साथ आएंगे। हमारी रिसेंट से 20 रूम को हमने ऑपरेशन करना जी, 20 रूम्स इसमें ऑलरेडी हैं, कैंपिंग वगैरह जो भी है, कैंपिंग के बहुत बड़े पॉइंट्स हैं यहाँ, तो आए मैं आपको इसका व्यू भी दिखा देता हूँ। चलो अब इस होटल का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ जो इतना खूबसूरत है, पीर चनासी रोड के बिल्कुल साथ है। होटल का नाम हेवन पीक रेस्टोर है, हेवन रिजॉर्ट है। ये इसका व्यू चेक करें, बस थोड़ा सा काम यहाँ का रहेगा इंशाल्लाह, ये 10-15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें आप, ये पीर चनासी रोड है, यहाँ से जब आप टर्न करते हैं तो ये साथ ही जो है ना होटल है, बिल्कुल होटल का दिखता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लाइव बारबेक्यू भी है, आप लाइव बारबेक्यू भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इसका, माशाल्लाह। पहली तो बात यह कि आप इसका पीछे व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है, स्मोक यहाँ तो होती है इस तरह के, जिस तरह ये नीचे से आती है सारी स्मोक, यहाँ ज़्यादातर धुंध ही रहती है। माशाल्लाह व्यू इसका बहुत, व्यू भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा जो स्मोक इन्जॉय करना चाहते हैं सावन के महीने में होती है सारा, वो भी होता है। ये सारी पीर चनासी रोड आ रही है नीचे से, और बिल्कुल मेन रोड पर जो है ना ये होटल है, ना किसी को परेशानी है कि आपने कहीं गाड़ी खड़ी करके कहीं जाना है, कार पार्किंग ईच एंड एवरीथिंग है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आएँ यहाँ स्टे करें। इसमें मैं मेंशन वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मेंशन कर दूंगा, तो वो करें, ठीक है गिलानी भाई जी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत ये बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, आप मेरा नाम लेके भी इनके साथ आ सकते हैं इंशाल्लाह, ये भाइयों से भी बढ़ गए मेरे इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।